हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंगद सिंह और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि हमें अपने मकान को बनाने में जो कॉलम में सरिया दी जाती है वो हमें कितने एमएम की सरिया देनी चाहिए, या कह सकते हैं कितने सूत की सरिया देनी चाहिए। और दोस्तों, सरिया देने का सही तरीका क्या होता है, इस वीडियो में आपसे मैं यही बातें डिस्कस करूंगा। क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती है कॉलम की सरिया, क्योंकि सारा जो लोड होता है वो कॉलम पे ही टिका रहता है। जैसे कि स्ट्रक्चर हमारा कॉलम बीम स्लैब हो गए, तो उसमें कॉलम का भी एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि मैंने आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, जो कि वीडियो का टॉपिक था कि हमें अपने मकान में कॉलम का क्या साइज देना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे सजेशन यही रहेगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लेना, थंबनेल आपको दिख ही रहा होगा, ताकि आपको साइज भी क्लियर हो जाए कि हमें कितने साइज का कॉलम देना है अपने मकान में। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा उसमें से ब्रीफ करूंगा, आपको समझाऊंगा, क्योंकि हमें साइज ऑफ कॉलम को भी लेके चलना है सरिया बताने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो को अपने टॉपिक पे सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको चीज़ ध्यान देनी है, पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि भाई हम अपना मकान का जो मंजिल बनाएंगे वो कितने मंजिल बना सकते हैं। इस वीडियो में जो बताऊंगा मैं आपको 3 मंजिल को लेके चलूंगा, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले मैं पहली मंजिल की बात करता हूँ कि सिर्फ आप चाह रहे हैं, आपने सोचा है कि भाई मैं 1 मंजिल मकान बनाऊंगा और उसके बाद ममटी डालूंगा और उसके बाद मुझे नहीं बनाना है, तो वहाँ पे आप कॉलम का साइज क्या देंगे। तो वहाँ पे दोस्तों, आप कॉलम का साइज अगर 9 बाई 9 इंच का कॉलम भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उससे पहले दोस्तों, मैं आईएस कोड के हिसाब से जो क्राइटेरिया होता है, यानी कि सरिया देने का, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कि देखिए, आईएस कोड बोलता है कि आपको एक स्क्वायर कॉलम में, जो स्क्वायर कॉलम होता है वो चारों तरफ से 9 बाई 9 का ही होता है, तो वहाँ हमें 4 सरिया मिनिमम देनी है, जो कि 12 mm की सरिया होती हैं। ठीक है, 12 mm से कम नहीं देनी है, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों, आपको जैसे मान लीजिए कि 1 मंजिल मकान दे रहे हैं, तो आप 9 बाई 9 का कॉलम दे सकते हैं और सरिया आपकी जो मैंने बताई है ये दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप इन फ्यूचर सोच रहे हैं कि भाई मैं दूसरी मंजिल भी बनाऊंगा, या हाथों हाथ लेके चल रहे हैं मंजिल को, दूसरी मंजिल को भी, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो बिट मटेरियल ठेकेदार को काम देते हैं, वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वो पूरी मंजिल में एक ही साइज का कॉलम लेके चले आएगा, या एक ही एमएम की सरिया की साइज़ के लेके चले जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो हमें अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सडनली या इन फ्यूचर 2 मंजिल मकान बनाऊंगा, तो वहाँ पे आपको कॉलम का साइज चेंज कर देना है। वहाँ हमें कॉलम का साइज रखना है 9 बाई 1 का, हमें 9 बाई 1 का कॉलम का साइज रखना है, और उसमें सरिया क्या देनी है। आप उसमें सरिया देखिए दोस्तों, सरिया की जो संख्या है वो बढ़ानी पड़ेगी आपको, या तो दोस्तों आप सरिया की जो संख्या है वो 12 mm की 6 सरिया देनी देनी है आपको, 12 mm की 6 सरिया देनी है 9 बाई 1 का कॉलम आप दे रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद आपको दोस्तों ध्यान देना है कि अगर आप 3 मंजिल मकान बना रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई यार मुझे 3 मंजिल मकान बना कर लेके चल रहा है, ठीक है, और या फिर आप इन फ्यूचर बनाएंगे, तो आपको देखिए सही तरीका यहाँ पे आता है कि हम सही तरीका क्या दें मकान को बनाने, सरिया देने का। तो वो सही तरीका दोस्तों ये है कि पहले तो आपको कॉलम का साइज यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। कॉलम का साइज आप दोस्तों 1 बाय 1.5 का रखें, या आप कह सकते हैं कि 9 बाय 1 का रखें, लेकिन मैं सजेशन करूँगा कि आप 1 बाय 1.5 का रखें अगर आप 3 मंजिल लेके जा रहे हैं मकान को। वहाँ पे आपको करना क्या है, कॉलम की सरिया भी आपको जो उसकी थिकनेस वो बढ़ानी पड़ेगी, वहाँ आपको 16 mm की सरिया देनी होगी, क्योंकि वहाँ पे हमें 16 mm की सरिया देनी ही देनी है। अगर आप सोचें कि भाई 3 मंजिल मकान बना के 12 mm की सरिया ले लें, खड़ा होने को हो जाएगा, लेकिन जो उसकी कॉलम की मजबूती है वो शायद उतनी ना आए जितनी हम अपनी 16 mm की सरिया देके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपको 16 mm की सरिया देनी है अगर आप 1 बाय 1.5 का कॉलम दे रहे हैं तो। अब ये हमें पहली मंजिल तक सेम रखनी है, दूसरी मंजिल तक सेम रखनी है। अब जब आप तीसरी मंजिल बनाएंगे
तो वहाँ आप चाहें तो 16 mm की सरिया में 12 mm की सरिया भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो बिल्डिंग लोड ले रही है वो हमारा फर्म पहली मंजिल ले रही है, दूसरी मंजिल ले रही है, जो तीसरी मंजिल ले रही है वो उतना लोड नहीं ले रही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सरिया दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया, आपको एक बात और बता देता हूँ कि जिस तरीके से हम सरिये की बात कर रहे हैं, ये एक एक्सपीरियंस बेस है या थंब रूल कह सकते हैं, वरना सारी चीज़ें जो डिज़ाइन करता है वो एक आर्किटेक्चर करता है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन लोड को लेकर। लेकिन जो मैंने बताया आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादातर मकानों में यही सरिया यूज़ होती हैं और यही साइज के कॉलम होते हैं। सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद साइज और कॉलम की वीडियो भी देखें, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप मैंने चाहा, आपको थोड़ा थोड़ा समझाना चाहा, आपको सारी वीडियो समझ में भी आई होगी। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट में टाइप करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो मिलता है।